आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज सच्चाई का दर्पण। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज। ग्राम गर्रा में कुछ दिन पूर्व 25 से 30 लोगों के द्वारा मिलकर ग्राम के लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत रामपाली थाने में गर्रा निवासी अंकित पटले के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं उक्त मामले में रामपाली थाने में 13 सितंबर को पंजीबद्ध किया गया। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर कार्यवाही की गई और वारासुनी प्रखंड के रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा में रामपाली में बाबा के अनुयायियों के द्वारा सनातन हिंदू धर्म के सभी समाज के लोगों को भटकाने पर ग्रामवासियों के द्वारा विरोध किया गया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिले और प्रखंड पदाधिकारियों ने भी जगह पर पहुंचकर हिंदू धर्म से भटके हुए लोगों को हिंदू सभ्यता को अपनाने के लिए प्रेरित किया और हिंदू पारंपरिक चिन्ह में मिलावट करके हिंदू समाज को बांटकर आंतरिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की योजना को भंग किया। वहीं धर्मांतरण करवाने वालों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट भी की गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों को हिंदू समाज की रक्षा के लिए आगे आकर आवाज उठाने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिसमें संजीव भाऊ अग्रवाल, बसंत बघेल, सुरेंद्र नकपुरे, युगल भगत, अभिषेक भैयू अग्रवाल येड़े, मिथिलेश राणा, शिवम बागड़े, अतुल शरणागत, स्वप्निल पटले, खिलेंद्र शरणागत, निक्की पटले, शुभम पटले, भवेंद्र टेमुर ने, राजेंद्र नेवारे की उपस्थिति रही। खबर भारत न्यूज के लिए बालाघाट रामपाली से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे एक सबसे बड़ी भावना को आहत कि हमारे ओम के साथ में इन लोगों ने क्रिश्चियन का साइन मिला दिए, इन लोगों ने मुसलमान का साइन मिला दिए, इन लोगों ने सिख का साइन मिला दिए और सिर्फ धर्मांतरण करने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही अपने पंथ में लाकर और इन लोगों को अपने पंथ में जोड़ रहे हैं और सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं। बाकी ये मुसलमान को, क्रिश्चियन को, ईसाई को और किसी को भी मतलब अपने संगठन में नहीं ला रहे हैं, सिर्फ ये हिंदू सनातनियों को ही तोड़कर अपने किस बात से लगा कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे जबरन। धर्म परिवर्तन जबरन इस तरीके से लगा कि ये घर घर में जाकर इतनी महंगी महंगी पुस्तकों को 10-10 20-20 रुपए में पैसे से बेच रहे हैं और उसके बाद में जो पैसे नहीं भी दे रहे तो उनको फ्री में दे रहे हैं। जैसे आज ये अंकित भाई और इनके घर के आसपास सब लोगों के यहाँ बांटे गए पुस्तक और इनको जबरदस्ती वहाँ पर आने के लिए कि तुमको हमारे पंथ में शामिल होना है। जब मैं बोलता हूँ कि जब हमारे ओम के साथ में चारों धर्म के, चारों मजहब के जब साइनों को इकट्ठा गया किया गया तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही सभा क्यों बुलाई जा रही है, उसमें जब मुसलमान का चिन्ह है, ईसाई का चिन्ह है तो उन लोगों को कबीर पंथ में शामिल क्यों नहीं करवाया जा रहा है और सिर्फ सनातनी भाइयों को ही कबीर पंथ में शामिल करवाने की योजना क्यों बना रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला सत्संग प्रमुख बसंत बघेले। मेरा नाम मुरली चौबे, विश्व हिंदू परिषद बद्रीमंडल वाराणसी से। मौका वारदात पे भाई साहब का कॉल आया कि हमारे ग्राम में इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, धर्मांतरण का कार्य। तो उसी मौके वारदात पे मैं देखने के लिए पहुंचा कि क्या कार्रवाई वहाँ, क्या कार्य चल रहा है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि सभी लोग मतलब 100-150 की संख्या में वहाँ पर जमा थे और 30-40 लोग ग्राम में ज़्यादा के घरों में जाकर के किताब दे रहे थे और किताब दे करके अपना प्रचार कर रहे थे, मतलब सभी लोगों को एकत्रित करने का प्रयास। तो मैंने आकर के उस किताब को भी देखा तो उसमें मुझे समझ में आया कि इसमें अपने इसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए मतलब कई प्रकार के अपने कई प्रकार की चीज़ें इसमें हमारे धर्म को आघात पहुंचाने के लिए गायत्री को गलत बोला गया है। इसमें कुछ जगहों पर मैंने देखा और कुछ जगहों पर देखा कि हमारे देवताओं के ऊपर में टिप्पणियाँ लिखी हुई है कि यह सही नहीं है और यह गलत है करके, कि यह एक धर्म को अलग करके, इस धर्म को एक अलग स्थापना दे करके कभी सभी लोगों को तोड़ रहे हिंदू धर्म के, यह सब चीज़ें वहाँ जा करके देखा। काफ़ी सारी पब्लिक भी जमा थी, उन लोगों को वहाँ समझाने का भी प्रयास किया गया लेकिन बोले कि हम सिर्फ एक ही पंथ को करते हैं और हम अपने सरनेम के बाद में दास लिखते हैं। क्या लगता है? मैं अंकित पटले काम कर रहा हूँ। यहाँ पे किस बाबत आया सर? हमारे गाँव में कुछ बाहर के लोग आके घर घर जाके किताब बेच रहे थे और जब उस किताब को पढ़ा गया तो उसमें हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कुछ गलत शब्द यूज हुए। अच्छा, तो मुझे गलत लगा, मैंने उन्हें रोका, ना रुके, आगे गए, फिर मैं से खाने का आया। जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे सर? मैं तो उनसे यही बोला कि आप क्या कर रहे हैं। तो किस उनका आने का उद्देश्य क्या था? हाँ, वही कि किताब पढ़िए, आप सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आप वहाँ कार्यक्रम में आओ।
अभी हमने थाना प्रभारी महोदय को विज्ञापन सौंपा है, कंप्लेंट कराने आए थे। थाना प्रभारी ने धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है और सनातन धर्म को तोड़कर सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में गलत भ्रांतियां डालकर और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को उनके सनातन पंथ को छोड़कर